गाइस ये स्टेप वेल है यहाँ पे। वाह भाई उस ज़माने का बना हुआ है ये, कितना वेल प्लान्ड है यार। आज के इंजीनियर तुम, मैं क्या बोलूँ, ये महल है यहाँ का पैलेस, जिसको देखने के लिए हम सुबह से खज्जल खुमार होके रखे थे। अब क्या रूसी ज़माने की है ना, कितनी अच्छी लग रही है। वाह हाई गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं, प्लान तो है अभी तक मतलब हमारा नाहरगढ़ फोर्ट पे जाने का, पर चलो यार साथ में लेके चलते हैं तो ही पता चलता रहेगा हमारी क्या जलालत होती है पूरे दिन। यहाँ पे हमने बुलाया हुआ है जी रिक्शा वाले को, क्या पता कब पहुँचे कब ना पहुँचे। वो भाई मौसम तो आज का पूरे दिन धूप तपने वाली है। शेर तो आए हाय तेरा चश्मा, शर्मा गया हम भाई, जल्दी आप कार आ गया रिक्शा। गाइस हमने रिक्शा वाले भैया को बुलाया तो रिक्शा वाले भैया ने इतना टाइम लगा दिया। अब ये देखो ये आ रहे हैं रिक्शा वाले भैया, हमें कितने 45 मिनट हो गए यहाँ पे ऐसे ही खड़े हुए, धूप में हम पक चुके हैं। और ये देखो नहीं आ चढ़ा कोई है मेरे ऊपर तो झाड़। हाय राजू भैया कैसे हैं आप, कैसी जा रही है सुबह से आपकी दिहाड़ी, अच्छी लग रही है। ओए जल्दी आ, दिन को हमने बड़ी बसेस चेंज करनी है, क्या पता फिर क्या सीन हो यार। चलो चार बंदे यहाँ पे आने चाहिए। सॉरी जिस गाने के लिए ओके मैंने वीडियो ऑन करी थी वो गाना ही बंद कर दिया ट्राली वाले ने, क्योंकि इसको बोलूँगा वॉल्यूम अप कर, अप करो। गाइस राजस्थानी सॉन्ग्स और फुल बीट पे क्या स्वाद आता है। खैर अभी यहाँ पे कितने बजे आएगी बस फैसल भाई, बस 11:30 तक आ जाएगी, 11:30 तक पहुँच जाएगी। 11:30 यार 11:30, अभी हमें आधा घंटा यहाँ पे भी जलील होना पड़ेगा और धूप इतनी खतरनाक वाली चल रही है यहाँ पे। हाँ 11:30 कहीं साइड पे चल के बैठते हैं तब तक। गाइस बस तो मिली नहीं हमें, ये मैजिक मिल गया। ओ यार घुसो 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 घुसो, शाबाश। उतरे हैं गाड़ी से आके अजमेरी गेट, फ्री गाड़ी, कितनी गाड़ियाँ चेंज करके हम यहाँ पे पहुँचे। ये है जंतर मंतर, वहाँ से जाएगा रास्ता जहाँ पे हमने जाना नहीं है, गलता सिसोड़िया गार्डन जो जो भी है भाई, जोहारी बाजार। अभी हम चल के अपनी जो है यहाँ से कोई रिक्शा या गाड़ी कुछ भी पकड़ेंगे और निकलेंगे सीधा नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ, तो ये कम नहीं होगा। ओ भाई इधर बार्गेनिंग चल रही है, इधर 15 है उधर 20 है, इधर 30 है, ये क्या रेट से 15 से कम नहीं लेके जाएगा कोई, इधर 15 उधर 20, तो नीचे से हमें कितना चल के जाना पड़ेगा कितना। तो भाई हमें भाई सस्ती चीज चाहिए और क्या हो सकता है, मैं आगे आ जाऊं। यस गाइस आज मैं चलाऊंगा रिक्शा भैया के साथ। उसी जमाने का लग रहा है, है ना? मैंने खुद ही हमें पत्थर लगाया। ये नीचे से एक ही पहाड़ है ऊपर तक भाई, नहीं सॉरी टूटा हुआ बीच में। गाइस ये किला जो है बनाया गया था 1734 में राजा स्वाई सिंह के द्वारा है, और ये एज ए रिट्रीट पैलेस यूज किया जाता था, कोई भी जंग वंग होगी तो अगर एक किला गया तो मतलब वो भाग के आके इस किला में रुकेंगे। और जो जब यहाँ पे क्राउन रूल था और जो रेजिडेंट था यहाँ का ब्रिटिश, तो वो भी इसी किला में रुका था। ये इसलिए ऐसे कर रहा है क्योंकि पीछे हमारे कुछ फॉरेनर्स हैं, खास पता नहीं हमें कहाँ के, बस ये तब से इंग्लिश में ही ये रो भी इंग्लिश में रहा भाई, ऊपर के लिए कुछ बचा के रख। फिर ऐसे ऐसे ये पत्थर उसी जमाने के मैंने अपने हाथों से लगाए थे, हाँ मुझे याद है। वेरी गुड, वो किले की दीवारें Yeah. तू तो बोल मैं इन दीवारों के ऊपर खेलता रहा हूँ भाई, भाई खेला मैं नहीं, चोर पुलिस को मैंने लगाया, बोल मैं चोर पुलिस खेलता रहा हूँ। हाँ, हाँ। देखा बंदा कैसे आगे आग बजाता जा रहा है ना लगाता जा रहा है भाई, वो क्या बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ वो लगाया हूँ काइंड ऑफ
आज मैंने ऐसे बोलना दिन भर भाई। ये देखो गाइज, अगर कोई मॉडर्न इंजीनियर देख रहा है या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, गाइज देखो ये रोड ऑलमोस्ट 270 साल पहले बनी हुई है और पत्थर किसने लगाए थे? जय सिंह के इंजीनियर्स ने बनवाई हुई है, और मतलब इंजीनियर ये था चीफ इंजीनियर उनका। ऐसी रोड होनी चाहिए, आज दिन तक हिली नहीं वो जगह से। माना रेनोवेशन हुई होगी पर रोड की नहीं हुई जहाँ तक लग रहा है। पत्थर कैसे घिसे हुए, ये पत्थर कहानियाँ बता रहे हैं यहाँ पे, कितना खून बहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे व्यू अच्छा है गाइस। खून नहीं है, काले पता क्यों पड़े, ये मेरा पसीना है पूरा भाई। ये एंट्रेंस है आई गेस, यहाँ से हमें चलो यार, यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ लगा हुआ बोर्ड गाइस, 50 20 200। खोल के देखें अंदर क्या। हाँ चल तू खोल, वही नहीं भेजती भेजती नहीं खुला पीछे से बंद। हम जा रहे हैं पहले स्टेप वेल देखने के लिए, जो तो ये फर्स्ट ये वाली साइड हम जो है घूमेंगे किले की। गाइस देखें गाइस, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग बट फ्रेंडशिप एंड ऑल बोन्स आई हैव टू लिसन व्हाट द स्टफ ही इज सेइंग लाइक हाउ डू दैट। गाइस ये स्टेप वेल है यहां पे, वाओ भाई उस जमाने का बना हुआ है ये, कितना वेल प्लान्ड है यार। आज के इंजीनियर तुम, मैं क्या बोलूं, सूख गया ना क्योंकि यहाँ पे बारिश ही नहीं होती ऑब्वियसली। व्हाट यू से अबाउट, क्यों बनाया यहाँ पे आके ऐसे मुंह ना बाहर निकाले तो हमारा पता नहीं ना चलेगा हम कहाँ से आए हुए हैं। यहाँ से क्या व्यू है यार सिटी का, वाओ। ये वाली रोड हम पूरी की पूरी नीचे से कत के आए गए, पता नहीं 1-1.5 किलोमीटर तो होगी ये वाली, 1-1.5 किलोमीटर नहीं 800-900 मीटर होगी, है ना कत। यो ओ भाई ओम फो, इधर वो फोटो नहीं आने वाला, तू मेरी कॉपी करना चाहता है पर नहीं नहीं होने वाली भाई, तेरे से मत कर रहे हैं। वहाँ से घूमते 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 हम आगे, अभी ये बोल रहा है यहाँ से जयगढ़ फोर्ट भी दिखाई देगा, और वो वाला जो साइड पे पैलेस है घूम के यहाँ से चलेंगे वहाँ से अंदर कहीं पैलेस का जहाँ से रास्ता हुआ। ये क्या है, ये सोनिया कौन है, जिमी कौन है? ओ, मैं इनको नहीं जानता, मैं इस तूने लिखा अभी अभी, मैं इस सुराग की बात कर रहा हूँ भाई। ये जो सुराग है जंग में यहाँ से तीरे मारते थे। पर एक चीज मैं गाइस आपको बताऊँ, इधर पांव रख के चढ़ता हूँ, थोड़ा दबाना मेरे को पीछे से दबाता हूँ, उठाना। ये खप्पे यहाँ से जंग के लिए बनाए हुए हैं कि जंग में कोई भी अगर आएगा तो हम जो है यहाँ से तीरें मारें। तो तीरें किसको मारें, यहाँ से कौन चढ़ के आएगा, कोई पागल होगा जो यहाँ से चढ़ के आएगा। मैदान ग्राउंड दिख रहा है, उसमें फोर्ट जब आएगा दुश्मन की तो उस पर कैसे हमला होगा, तो यहाँ से वहाँ तीरें कैसे जाएंगी, तुझे क्या हो गया भाई? जब तीर तू खुद यहाँ पे गन लेके बैठ और स्कोप करके देख, पता चलेगा। गन और पता है तीर कमान में फर्क होता है, फर्क तीर भी तो तीर। यहाँ से फिर से सिटी का व्यू देखो गाइस, देख देख के आप पक जाओ। यहाँ से जो जंग होती थी और वहाँ से कौन चढ़ के आता, कोई पागल होगा जो यहाँ पे हमला करेगा, मतलब कुछ सेंस नहीं बनता। और इस किले के बनाने का कुछ मकसद नहीं था भाई, पैसे की पर्ची बेचारे कुछ सब खुला है गाइस। ये क्या है गाइस, उसमें टॉयलेट नहीं है, पता नहीं क्या है गाइस, जो भी है बहुत स्पूकी सा है। किंग गाइस हम ये कैनन पोस्ट हैं यहाँ पे, आय हाय हाय शेर में आज क्या भाई फुर्ती है। ये कैनन पोस्ट है हमारे पीछे, यहाँ से कैनन्स रख के जो ऐसे यहाँ से किधर मारते होते थे कैनन, उधर वो पार देख मार मार के। ओए होए होए क्या तबाही करी हो गाइस, वो पूरा पसी डाली हूँ वहाँ पे कैनन्स के गोले मार मार के। ये कितनी बंजर ज़मीन है यार, तो भाई यार यहाँ पे तोप रखते गुड क्वेश्चन, चलाते कैसे थे, चढ़ाते कैसे चला भाई, मैं तुझे नहीं पता, मेरा ये 7वां 8वां जन्म है। पुलिस वाले चाचा खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि आप भाई आप रोड पकड़ो क्योंकि उस साइड पे जो वॉल्स हैं उन पे नहीं जाने देते, शायद अलाउ नहीं है। तो हम यहाँ से अभी सीधे ये रोड पकड़ के जाएंगे आगे पैलेस के अंदर। यह ये वाला एंट्रेंस इसका मेन वाला, पहले हम आए थे बैक साइड से ही घुस आए थे, ऐसे पता ही नहीं था हमें किस साइड से एंट्रेंस है किस साइड से नहीं। यहाँ पे गाइस बाहर लिखा हुआ था फ्री एंट्री, पर वो सिर्फ एंट्री ही, मतलब ऐसे ही अंदर घूमने की। जो मेन अट्रैक्शन से वहाँ पे जाने के लिए हमें चाहिए होगी टिकट्स, और टिकट्स के लिए वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी, पूरी भीड़ जमा हुई है वहाँ पे। अभी अतीब को हमने बोला हुआ है टिकट्स, हो गया शायद अतीब लेके आ गया टिकट, हो गई। देखो ये गाइस मेरे को भी नहीं पता क्या है, तो मैं क्या ही बता सकता हूँ। देखा चाबी कितनी बड़ी लगी हुई, खजाना रखने के लिए नहीं वेरा इतना। गाइस मैं आपको ताला लगता था, ये वेट कितना होगा यार, कहाँ है वेट इसका। मैं वाओ
इसको ताले को मतलब चाबी को कौन पास रखता होगा, वो खोल के या लगा के ताला वहीं पे रखते होंगे चाबी। पठान भाई आपने क्या बोला था? ये बोलने की बात है, कश्मीर के बराबर कोई जगह ही नहीं है, नहीं है ना, ना सर्दियों में ना ना ही गर्मियों में। ये महल है यहाँ का पैलेस, जिसको देखने के लिए हम सुबह से खज्जल खुमार होके रखे। इमेजिन तेरे को इसके ऊपर बैठा के। यहाँ से एंट्रेंस हो रही है, मल्टीपल एंट्रेंस, यहाँ से आप इंटर हो गए तो सीधा आपको हॉलवे। ये इंटर हो चुके हैं हम जौनहारगढ़ पैलेस है। मुझे बाकी वाले बंदे घूम गए यार। वाओ, दिस वे कर क्या रहे हो तुम लोग? क्या इधर, ओए क्या इधर, रास्ते बिल्कुल ये मार्बल है नीचे लगा हुआ, मार्बल है नहीं। आज हम पूरा महल एक्सप्लोर करने के लिए, भाई ये देखो इनकी हालत है यार। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ पे जो भी महल है उसमें दरवाजे और खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। यहाँ ये जो राजे होते थे वो यहाँ दरवाजों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ये वाला सेम, ये खुला है ना? अच्छा वो वाला भी खुला तो नहीं, हमने खोला ही नहीं। नहीं सुना जहाँ से घूम रहे हैं बस सेम ऐसी वाली जगह पे जाके निकल रहे हैं। अब इसमें हमारी क्या गलती है? यहाँ से रास्ता हमें मिला ऊपर जाने का, हेल्दी बंदा नहीं चढ़ सकता भाई यहाँ से। स्ट्रगल ले चुके भाई, बिल्कुल हवा महल जैसी स्ट्रगल है, आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा। यार ये सच में ऊपर से खूबसूरत लग रहा है। मैं बोल रहा था जिस साइड से जाओ सेम जगह निकल रही है, सेम चीज़ निकल रही है, मुड़ के देख रहे हो पूरा सेम है सारा कुछ एक जैसा बनाया हुआ। घूम फिर के ना लगभग 5-10 मिनट की मुशक्कत के बाद हम पैलेस की छत पे आ पहुँचे और यहाँ से व्यू तो क्या ही मस्त है। एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पे आके, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम सनसेट टाइम पे आए हुए होते तो मच बेटर हो सकता था। वहाँ से चढ़ते हैं ऊपर, ऐसे घूमते 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 वहाँ से जो एग्जिट है नीचे चले जाते हैं, बस दैट्स इट यार। जाने का प्लान तो हमारा इस साइड पे भी था, यहाँ से घूम के वो आगे जाके जो भी है मतलब देखने का, पर अभी हमें ना टाइम की बहुत किल्लत होती है और सुबह निकलते निकलते हमें ही वहाँ से ही लगभग 12 बज गए थे और यहाँ से हमें वापस जाते टाइम पे भी लगभग 8 बज जाएंगे, तो 8 बजे के बाद वार्डन सर ने हमारी खबर ले लेनी। फ़िलहाल हम चलते हैं और ये अच्छी जगह यार। सनसेट पॉइंट देखने के लिए जाना ही जाना है, तो एक तो रास्ते इतने तंग है, शुक्र है मैं मोटा नहीं हूँ थोड़ा सा, और कहीं से नहीं यहीं से जाए जाने के। अबे चाचा तो ओपी निकले यार। क्या तुझे उधर से जाना है? तू जा सकता है, जा ना जा जा। तेरे को एग्जिट, इसको मेरे को एग्जिट भूल गया था भाई। क्या था अतीब इधर, क्या था बता, क्या था बता ना, मुस्कुरा रहा है गाइस। ये क्या था, नहीं ये उधर से अंदर गया गाइस, वापस निकला और मुस्कुरा रहा है, कुछ तो सीन हुआ है यार। होली वाओ गाइस, इधर मतलब बाहर का ये सीजन होता है, मुझे नहीं कुछ अच्छा देखने का, मुझे नहीं पता था गाइस इधर बाहर का ये सीजन होता है, यहाँ आके पता चला है। अभी वापस निकलने का टाइम आ गया और यहाँ पे इस साइड पे भी एक स्टेप वेल बना हुआ है, जैसा हमने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था। वो जा रहे हैं बाकी वाले बंदे, बाय बाय पैलेस। जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे ना मैं एक छोटी सी बकेट लिस्ट बनाता हूँ टूरिस्ट अट्रैक्शंस की,
घूमने के लिए, और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे टूरिस्ट इतने ज़्यादा नहीं होते पर घूमने का वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है, जहाँ पे ज़्यादा बंदे नहीं आते। ऑब्वियसली मुझे शांति पसंद है गाइस। पर भीड़ देख रहे हो आप, जैसे कि यहाँ पे कुंभ का मेला लगा हुआ, भाई क्यों आते हैं यार इतने लोग इस खंडर को देखने के लिए? मैं क्यों आया? गोजरी नहीं ना यार, बीच में गोजरी गाइस, यू बीच में गोजरी यूज़ कर चुड़े बस। किधर है उसको, उनको कॉल कर। गाइस फोन पे व्लॉगिंग हो रही है कि कैमरे अलाउड नहीं है, फोन अलाउड नहीं है। और भाई आपका कैमरे लेके अंदर, कैमरा लेके इतना लंबा वाला कैमरा लेके अंदर गया हुआ गाइस। हेलो डिप्रेशन लवर, डिप्रेशन लवर तू आया हुआ इनके साथ? गाइस हम घाटी गेट से आए थे अंदर। चल चल चल, बस यही बता रहा था, और कुछ बचा नहीं बताने को। मैंने कुछ छोड़ा था? नहीं छोड़ा। क्या दरवाजा है यार, रुकना एक सेकेंड, ये पकड़, चश्मा पकड़। Yes, ऐसा वाला सेम एंट्रेंस वहाँ पे भी था जो जयगढ़ फोर्ट था, उस पर हम गए थे, बिल्कुल सेम वाला। बस यहाँ पे टिकट काउंटर लगा हुआ था। बताओ तो सही, कुछ तो इज्जत करो व्लॉगर की, तुम्हारे साथ एक व्लॉगर घूम रहा है भाई, 7,000 7 मिलियन गाइस मेरे लिए, वो मिलियन 7 मिलियन वाला है बंदा ये भाई। और आपका ये सब्सक्राइब वाला बटन जाने में कुछ दबाने में कुछ नहीं जा रहा, जा रहा है कुछ नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, बस ऐसे और घंटे के ऊपर ना दबा के बस ऐसे किलियों पे अंडे देने का। यार रुकना, ये मुझे रोड दिखाने दे गाइस, कितनी अच्छी रोड है यार, क्या इंजीनियर होते थे। चल चल चल, वेल गाइस यही था हमारा व्लॉग, होप यू गाइस एंजॉयड। और अगर पसंद आया हो तो लाइक, व्लॉग को क्या करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। और तू भी कुछ बोल दे। बस बोलना क्या है, वक्त जज्बात सब कुछ बदल गया, हालात बदल दें, जज्बात बदल दें, सब कुछ बदल दें, और उसको ग्रे कर दें। हाँ मैं इतना बोलना चाहता हूँ। Oh, good.